हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स इन दैप में आपका स्वागत है। एज यू ऑल नो, वी आर हेल्पिंग इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स इन द एडमिशन प्रोसेस। हमने ऑलरेडी कॉलेज एंड इंजीनियरिंग एडमिशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पे कवर किए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गो थ्रू ऑल दोज वीडियोस। पिछले वीडियो में हमने देखा था पुणे के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे मुंबई के टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर CSIT। और ये लिस्ट प्रेफरेंसेस बनाने के लिए मैंने बेसिकली तीन फैक्टर्स कंसिडर किया है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन कट ऑफ के हिसाब से ही आप अपना प्रेफरेंसेस बनाओगे। एंड सेकेंड इज प्लेसमेंट, कॉलेज का ओवरऑल प्लेसमेंट कैसा है, एवरेज पैकेज कितना है, हाइस्ट पैकेज कितना है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड इज फैकल्टी, बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, टीचिंग स्टाफ कैसा है। फीस एंड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने वो भी मैंने आगे जितने भी कॉलेजेस हैं उसके डिटेल्स शेयर किए हैं। सो अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखना। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कॉलेज। तो हमारा फर्स्ट कॉलेज जो है वो है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, VJTI। एंड ये बहुत ही पुराना कॉलेज है और जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनका ये ड्रीम कॉलेज है। बिकॉज रीज़न सिंपल है, इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो सबसे बेस्ट है अगर नॉन IT इंस्टीट्यूशन लिया जाए तो। मुंबई का ये कॉलेज है जिसमें सारी ड्रीम कंपनीज आती है, कंपनीज लाइक नोमूरा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, JP Morgan, डिलॉयट एक्सेट्रा। एवरेज पैकेज जो ये कॉलेज में मिलता है वो है 7 to 8 LPA। और मैं बोलूँगा CSIT को तो हाइस्ट पैकेज लास्ट ईयर अराउंड 40 लाख मिला है, आप कॉलेज के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। सो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको 13-14 लाख भी देगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये कॉलेज मिलता है तो आपका प्लेसमेंट तो सॉर्टेड है। और फीस भी इस कॉलेज का सबसे कम है, रीज़न बीइंग ये गवर्नमेंट ऑटोनोमस है तो इसका फीस एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज जो आप लिस्ट में देखोगे उसमें सबसे कम इसका ही है। लोकेशन इज माटुंगा। और ये तो मैं 15 कॉलेज के लिए शेयर करूँगा, बट मुंबई में जितने भी कॉलेज है उनका प्रेफरेंस वाइज मैंने लिस्ट MID Pro ऐप पे डाल दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो प्लीज़ वहाँ से लेके आप वो पूरा लिस्ट देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ भी इशू होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। सो दिस इज़ आर फर्स्ट कॉलेज इन आर लिस्ट। एंड लेट्स गो टू सेकेंड कॉलेज विच इज़ सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सेकेंड इसीलिए हमारे लिस्ट में क्योंकि इसमें मेजर IT कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए, डॉज बैंक हो गया, नोमूरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बार्कलेज हो गया। और कुछ स्टूडेंट्स को तो 10-12 लाख का पैकेज भी मिलता है, एवरेज पैकेज इज अराउंड अच्छा है 6 to 7 लाख। 158 इज फीस। फीस आप देखोगे एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेज इसका फीस डिसेंट है, कम है, नहीं तो आप आगे लिस्ट में देखोगे 2 लाख 3 लाख भी है फीस कॉलेज का। प्राइवेट है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है। सो दिस इज आवर सेकेंड कॉलेज। थर्ड कॉलेज हमारे लिस्ट में है वो है DJ Sanghvi कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये लिस्ट में इसीलिए भी है क्योंकि थर्ड नंबर पे, क्योंकि ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो बहुत अच्छा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और कंपनीज भी बहुत डिसेंट आती है। एवरेज पैकेज सेम ही है ऑलमोस्ट 6 to 7 लाख, और फीस थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए मैंने इसे थर्ड नंबर पे रखा है, 2 लाख फीस है। प्राइवेट है, ऑटोनोमस कॉलेज है और विडे पार्ले इसका लोकेशन है। सो ऑटोनोमस है तो इनका एक्चुअली जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के जो सिलेबस है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट ये है कि अपना सिलेबस ये थोड़ा बहुत चेंज करके, क्योंकि अभी ऑटोनोमस हो गया तो अपने हिसाब से दे कैन डिज़ाइन। सो ये थर्ड नंबर पे। फोर्थ कॉलेज जो है वो है KJ Somaiah कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। KJ Somaiah इट्स अ गुड ब्रांड, और ये फोर्थ नंबर पे इसीलिए भी है क्योंकि इसका भी डिसेंट पैकेजेस है, बट थोड़ा सा पैकेज एज कम्पेयर टू DJ Sanghvi और VJTI कम है, पर मेजर कंपनीज यहाँ भी विजिट करती है। बट इसका फीस बहुत ज़्यादा है, 3,45,000, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है एज़ कम्पेयर टू अदर। ये भी ऑटोनोमस है और लोकेशन इसका भी बहुत अच्छा है, विद्या विहार है, बहुत बड़ा कैंपस है इसका कैंपस। इनफैक्ट मैं अभी तक जितने भी कॉलेज हमने देखे उससे सबसे बड़ा कैंपस इसका ही है। तो ये हमारे लिस्ट में फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैसिट, और ये हमारे लिस्ट में फिफ्थ इसीलिए है क्योंकि इसमें भी मेजर IT कंपनीज़ आती है, कुछ ड्रीम कंपनीज भी हैं, JP Morgan, बॉश, SAP, एम्फेसिस, एकॉर्ड, ये सारी कंपनीज आती हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को अराउंड 10 लाख 12 लाख भी पैकेज मिलता है। बट अब इसका एवरेज पैकेज देखोगे पिछले कॉलेज से थोड़ा सा कम हो गया है, 4 to 5 लाख हो गया है, बट फीस बहुत ही कम है इसीलिए हमारे लिस्ट में ऊपर आता है, 1,13,000 इज़ द फीस। एंड प्राइवेट है, चेंबूर में है, एंड ये एक बहुत ही फेमस कॉलेज है मुंबई का, तो आप इसे अपने लिस्ट पे फिफ्थ नंबर पे रख सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज वो है थर्डुमल शानी कॉलेज। और विवेकानंद थर्डुमल का कंपैरिजन करते हैं, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि दोनों कॉलेजेस में से पहले किसे रखना है। टोटली डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है, और मैंने मेजरली इसे सिक्स पे इसीलिए रखा है, फिफ्थ पे नहीं रखा क्योंकि देखो दोनों का एवरेज पैकेज सेम है, कंपनीज जो मेजर आती है दोनों में सेम आती है, बट ना इसका फीस थोड़ा ज़्यादा है, 1,85,000 है,
उसका फीस अराउंड 1,13,000, इसीलिए इसको मैंने लिस्ट पे थोड़ा सा नीचे रख दिया है। बाकी अगर आपको फीस का कोई इशू नहीं है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल वेस्टर्न लाइन में रहते हो बैंड्रा के आसपास, तो आप इसे फिफ्थ नंबर पे डाल सकते हो अपने लिस्ट में। अगर आप सेंट्रल लाइन में रहते हो तो विवेकानंद को फिफ्थ नंबर पे डाल दो। तो टोटली डिपेंड अपॉन आपका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो दिस इज आर सिक्स। तो जो नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में है वो है रॉड्रिगस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये फादर एंगल बैंड्रा बोलते हैं इसे मुंबई में। दो फादर एंगल है मुंबई में और दोनों हमारे लिस्ट में है टॉप 15 में। ये बैंड्रा वाला है और दूसरा जो है वो नवी मुंबई जो आएगा आगे लिस्ट में। और जो कंपनीज इसमें भी डिसेंट कंपनीज आती हैं, डायरेक्टा, IBM, JP Morgan। एवरेज पैकेज वही अराउंड 4 to 5 लाख। यहाँ से आपको मोस्टली जो एवरेज पैकेज दिखेगा 4 to 5 लाख दिखेगा। फीस 150 डिसेंट है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है और लोकेशन भी बहुत अच्छा है। सो एक बहुत ही अच्छा डिसेंट कॉलेज है जो आपके लिस्ट में 7 नंबर पे आना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट कॉलेज जो कि है KJ सुमह। कन्फ्यूज मत होना, जो हमारा पहले का कॉलेज था वो KJ सुमह विद्या विहार वाला था। दिस इज नया कॉलेज खुला है अराउंड 2000 या 2001 में। और ये भी बहुत ही डिसेंट कॉलेज है। KJ सुमह का ब्रांडिंग है और अभी बहुत ही इंप्रूव हो चुका है कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह। सो ये हमारे लिस्ट में आना ही चाहिए। उसका कट ऑफ भी बढ़ गया है काफ़ी। तो कंपनीज आती है रिलायंस, AWS, Atos, बहुत ड्रीम कंपनीज नहीं आती है, बट अच्छी अच्छी IT कंपनी ज़रूर विजिट करती है। 4 to 4.5 लाख ये इसका पैकेज है एवरेज। एंड फीस 166 है, कंपेरेटिवली ज़्यादा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लिस्ट में से नीचे रखा है। इसका लोकेशन सायन में है एंड सेंट्रल में आता है। प्राइवेट कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है। सो भरते वक्त प्रॉपरली ऑप्शन चूज करना। KJ सुमह दो है, सो कन्फ्यूज प्लीज कन्फ्यूज मत होना। तो जो नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में है वो फादर एंगल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और ये फादर एंगल नवी मुंबई वाला है, वाशी में है। सो कन्फ्यूज मत होना। कंपनीज जो आती है वो ऑल मेजर IT कंपनीज जो 3 to 4 लाख का एवरेज पैकेज है जिनका, वो विजिट करती है। तो एवरेज पैकेज 4 to 4.5 लाख है, डिसेंट है। फीस भी ज़्यादा नहीं है, 140 है। प्राइवेट है, नवी मुंबई में है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि दोनों में से कौन सा चूज़ किया जाए। तो देखो, प्रेफरेंस अगर आप नवी मुंबई में रहते हो तो आपको प्रेफरेंस ऐसा नहीं सेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अगर लोकेशन आप कॉलेज के पास में रहते हो तो बहुत उसका एडवांटेज मिलता है, आपका बहुत टाइम बचता है। तो मेरा ये रहेगा कि अगर आप नवी मुंबई में हो तो आप इस कॉलेज को ऊपर डालो एंड बैंड्रा को नीचे रखो। अगर आप बैंड्रा साइड रहते हो तो सिंपल, बैंड्रा को ऊपर रखो, इसको नीचे रखो। सो ऐसे आपको प्रेफरेंस सेट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बाकी कॉलेज में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में है वो है रामराव आदिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वन ऑफ माय फेवरेट कॉलेज है, ये बहुत अच्छा डिसेंट कॉलेज है। DY पाटिल का ब्रांड भी है। मैंने इसे 10th पे इसीलिए भी रखा है थोड़ा नीचे, रीजन बीइंग इसका फीस बहुत ज़्यादा है। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज आती है और ग्रो करेगा ये कॉलेज। तो इसमें आप, और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी हो गया, ऑटोनोमस टाइप हो गया लास्ट ईयर। सो आप ये कॉलेज को अपने ऑप्शन लिस्ट में बहुत 10th नंबर पे रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, नवी मुंबई लोकेशन है। सो दिस इज़ आवर 10th एंड दिस इज 11th कॉलेज, विच इज़ विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका आप एंट्री करोगे कॉलेज में तो आपको इसका कैंपस देख के बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा कैंपस है, आप देख सकते हो फोटो में। और मोस्टली जितने भी IT कंपनीज है वो विजिट करती है विद्यालंकार में। और विद्यालंकार क्वाइट फेमस, सो एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कॉलेज। और इसमें भी कुछ कंपनीज हैं जो बड़ा पैकेज देती है, पर मोस्टली वो एक या दो स्टूडेंट को ही मिलता है। तो आपको अगर वो पैकेज चाहिए तो आपको उतना स्किल डेवलप करना पड़ेगा फाइनल ईयर तक। चलो वो बात की बात है, पर इट्स अ डिसेंट कॉलेज। फीस 150 है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वडाला लोकेशन है। तो वही है कि अभी फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल लाइन में रहता है, यू नो डोंबिवली साइड रहता है, वहाँ पे उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ट्रैवलिंग में। तो उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस लिस्ट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी कॉलेज इज़ वेरी गुड, इट्स अ प्राइवेट कॉलेज। सो इट्स ऑन 11th नंबर। नेक्स्ट देखते हम लोग राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, RGIT। आप देख सकते हो फोटो में, बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग है। कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, पर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है। और अभी यहाँ से लिस्ट में वही हमारी TCS, KPMG ये कॉलेजेस में विजिट करती हैं, जितने भी कॉलेजेस हमारे लिस्ट में आगे होंगे। और एवरेज पैकेजेस सेम 3 to 4 लाख देती है। कुछ कुछ कंपनीज, एक दो कंपनी 5 लाख 6 लाख भी दे देती है। तो एंड फीस ज़्यादा नहीं है, फीस 120 है, प्राइवेट है, अंधेरी है। सो दिस इज़ आवर 12th कॉलेज, विद्यावर्धनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज़ आवर 13th कॉलेज। यहाँ से आपको थोड़ा सा सेम पैकेज दिखेगा, सेम कंपनीज दिखेगी। बट आप देखोगे कट ऑफ वाइज मैंने अरेंज किया इसे मोस्टली, और सारे प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं। तो इंफोसिस, TCS, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी एक्सेट्रा, एवरेज पैकेज 3 to 4 लाख। सो इट्स अ डिसेंट कॉलेज, आपके लिस्ट में 13 नंबर पे रह सकता है। वसई रोड में लोकेशन था उसका।
नेक्स्ट इज SIS ग्रेजुएट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. ये एक्चुअली हमारे लिस्ट में 14th भी है और ओवरऑल ये कॉलेज का जो परसेप्शन है आप अपने सीनियर से भी पूछोगे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज है. लाइक अटेंडेंस कंपलसरी होगा, ठीक है, आपको लेक्चर्स बैठने पड़ेंगे मोस्टली कॉलेज. विवेकानंद भी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपको ये सीनियर ही बता सकते हैं कि कौन सा कॉलेज स्ट्रिक्ट है कौन सा कॉलेज, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है. बट डिसेंट कॉलेज है, सारे बहुत सारे कंपनीज आती है जो आपको 3 to 4 lakh एवरेज पैकेज मिल जाएगा. तो बेसिकली ये जितने भी टॉप 15 कॉलेजेस में आपको CSIT में तो प्लेसमेंट पक्का मिल जाएगा, ठीक है. बस आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो मीट करनी पड़ती है. फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं, 145, प्राइवेट है, नेहरूल साइड कॉलेज. सो इट्स अ डिसेंट कॉलेज एट नंबर 14. सो लास्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में है 15 नंबर पे, वो है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रेव टेक्नोलॉजी, आईगेट, एटॉस, सिक्लोर, KPIT, ऐसे बहुत एन नंबर्स ऑफ कंपनीज हैं जो अराउंड 3 to 4 lakh का पैकेज देती है. अब इजिली क्रैक कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से इंजीनियरिंग यू नो ट्रैक पे किया है तो. फीस इज 138, फीस इज ऑल्सो नॉट दैट ह्यूज, प्राइवेट है, माही में लोकेशन है. अगेन अगर सेंट्रल लाइन में हो तो आपको ये प्रेफरेंस और नीचे कर सकते हो, अगर आप वेस्टर्न साइड हो तो ऑब्वियसली ये कॉलेज आपके लिस्ट में 15 नंबर पे आ सकता है, ठीक है. सो दिस इज अवर टॉप 15 कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग फॉर CSIT इन मुंबई. आपको कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो या इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इंस्टॉल MID Pro ऐप जहाँ पे आपको सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड मटेरियल कोर्सेज मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.